जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज हम लोग सुनने वाले हैं गाना डाकू बैतला अंजुम बोहिमिया और तलहा यूनस। तो ये गाना ऑफिशियली उनके चैनल पे नहीं आया, किसी के भी चैनल पे नहीं आया, ये लीक हुआ है। और क्योंकि गाना अब लीक हो चुका है तो हम लोग भी इस पर रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये एक ब्लाइंड रिएक्ट है, तो मुझे बाद में कोई ना बोलेगा तो उन्हें इसका ब्रेक डाउन नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये ब्रेक डाउन वीडियो नहीं है, ब्रेक डाउन वीडियो देखनी है तो किसी और चैनल पर जो। ये ब्लाइंड रिएक्ट है, सिर्फ बैठ के हम लोग सुनेंगे गाना और वीडियो उठा यूट्यूब पर डाल देंगे, जिसने देखी देख लेगा। इन गाना लीक हुआ ना, जिसने पहले लीक किया सबसे उसने ऐसे सिर्फ डाकू लिखा हुआ था और गाना लीक कर दिया था। अब बकायदा पोस्टर बनाए जा रहे हैं, देख कितना अच्छा आर्ट वर्क बनाया जिसने बनाया लीक वीडियो के लिए, लीक गाने के लिए। लेकिन फिर भी कितने व्यूज़ आ चुके हैं लीक गाने पे, एक मैं देख लूँ, 60,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ठीक है, मेहनत का फल तो मिल ही गया है। मुड़ा हिता अंतर द लड़ाकू लेके फिर डाकू रति घड़ी चले के फिर चाकू रोज खड़के मचाए भी खड़ाकू मुड़ा हिता अंतर द लड़ाकू डाकू रति घड़ी चले के फिर चाकू रोज खड़के मचाए भी खड़ाकू मुड़ा हिता अंतर द लड़ाकू। पूरे गाने में बोहेमिया के पास यही लाइन है, डाकू गड़ियाँ जी फिर लेके चाकू मुंडा हिक तान खड़काए खड़ाकू। लेकिन जो वाइब है ना इस 3-4 लाइनों की, पूरे पूरे सॉन्ग में मज़ा ये करवाती है। सही वाइब है पूरे गाने में जो इस बोहेमिया के लाइन। डाकू रति गड़िए चले के फिर चाकू रोज खड़के मचाए भी खड़ाकू मुंडा हिक तान तोड़ द लड़ाकू डाकू रति गड़िए चले के फिर चाकू रोज खड़के मचाए भी खड़ाकू मुंडा हिक तान तोड़ द लड़ाकू। मैं बोले खारी जो भारी है पूरे झुंड पे काली डेनाली हमें कास का जब बंट दे इक्के पे इक्का पढ़ने का अपने खून में पैरों ने मोल चढ़े हमने चिट्टा सूंघते तू ब्लू फेस में इक्के पे इक्का हमनी जब बोल दे। ये वाली बात तुम लोगों ने पहले सुनी होगी, जब तल्ला यूनस का और इक्का जो कि इंडियन रैपर उसका मसला हुआ था, तो ट्वीट करके भी यही जो वर्स में ऐड किया ना लाइनें, यही लाइनें उसने लिखी थी, हम हैं काले दिन आलियाँ जब उन दे इक्के पे इक्का बर्न। तो ये वही लाइनें उसने अपने गाने डाकू में भी डाली हुई हैं। और ये बाय द वे डाकू गाना इक्का और बोहेमिया गाना था, लेकिन इनका पहले रिलीज़ हो गया, रिलीज़ नहीं हुआ। स्कारफेस से फर्क पे तू सड़क पे मिला के मोते खून में पैरों ने मोल चढ़े हमने चिट्टा सूंघते तू ब्लू फेस में। स्कारफेस से फर्क पे तू सड़क पे मिला के मुझसे इंटरनेट पे भड़क रहे करा छोटे पर बरस नहीं सकता है तो लटक रही तेरे बैंक बैलेंस से ज्यादा कीमत मेरे एक लफ्ज की जादू कराची वाले हैं जज्बाती हम बेकाबू स्की मैस्क और बंदाना जिव डाकू ये तो सारे कार्टून राइम्स मेरे कार्टून गाने से कटे जान टू डिस क्यों करूं डांटू देख मैं मेहरबान हूं चंद दिन का मेहमान तू डिस क्यों करूं डांटू ये बात है। पैसा आता मैं बांट दूं आस्तीन में झाक तू क्यों ले रहा मेरा नाम तू मैं जैसे राजा तेरा वो अधूरा ख्वाब हूं डाकू रति गड़िए चले के फिर चाकू जैसे मैं राजा तेरा एक अधूरा ख्वाब हूं। ये भी इक्का के ऊपर ही लाइन है, क्योंकि इक्का ने किसी वक्त कहा था किसी पोस्ट पे या स्टोरी पे कि मेरा ख्वाब है कि बोहेमिया के साथ गाना करूँ ये वो। और वो मैं ब्रेक डाउन क्यों कह रहा हूँ, पहले मैंने बोला ब्लाइंड है तो ब्लाइंड डायरेक्ट है, फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन चलो जो कुछ पता लग गया पता लग गया, बाकी ऐसे देखो। रोज खड़के मचाए भी खड़ाकू मुंडा हितान तोड़ द लड़ाकू डाकू रति गड़िए चले के फिर चाकू रोज खड़के मचाए भी खड़ाकू मुंडा हितान तोड़ द लड़ाकू डाकू रति गड़िए चले के फिर चाकू रोज खड़के मचाए भी खड़ाकू मुंडा हितान तोड़ द लड़ाकू डाकू रति गड़िए चले के फिर चाकू रोज खड़के मचाए भी खड़ाकू मुंडा हितान तोड़ द लड़ाकू। कहाँ तू कहाँ मैं जहाँ मैं वहाँ ना तू आके मीडिया पे लौंडे बने साधु जाके ट्विटर पे लौंडे करें हाँ हू शार्टू लाले मत्थे से तो शुरू से ही शार्टू बचपन में देखे तेरे जैसे कार्टून्स लेकिन अब उस सबका टाइम नहीं है फालतू क्योंकि अब मैं डाकू लेके फिर हूँ कारतूस तू मिलाते लेबल के आगे तुम सारे पालतू मिलिट्री माइंड जैसे भाई रहता काकू उर्दू रैप मेरी स्कूल के टाइम से माशूक गैंग साइंस नहीं ओए मेरे साइंस सारे वाइटल तेरे शहर में मारेंगे तेरे पे डाका मैं और मेरे आइडल्स सुन डाकू मैं और मेरे आइडल्स तलाजुम का आइडल है जो वो है बोहेमिया। तो बस मेन मेन बातें बता रहा हूँ, ऐसे तो इसका मैं ब्रेक डाउन करूँ तो कर दूं लेकिन छोड़ो पर हम ब्रेक डाउन रति गड़िए चले के फिर चाकू रोज खड़के मचाए भी खड़ाकू मुंडा हितान तोड़ द लड़ाकू डाकू रति गड़िए चले के फिर चाकू रोज खड़के मचाए भी खड़ाकू मुंडा हितान तोड़ द लड़ाकू
डाकू नदी कटिए चले के फिर चाकू रोज खड़के मचाए बिखड़ाकू मुंडा हिकतान तुरद लड़ाकू डाकू नदी कटिए चले के फिर चाकू रोज खड़के मचाए बिखड़ाकू मुंडा हिकतान तुरद लड़ाकू। बस ये गाना इधर ख़त्म हुआ, लेकिन एक बात बताऊँ, गाना जो लीक हुआ है ना, अगर ये चैनल पे आता तो बड़ी हड़ाहुड़ी मच जानी थी, क्योंकि अंबिका के साथ इनके मामला सेट हो गए हैं और इक्का पे शॉट लिए हुए हैं, तो अगर ये अपने चैनल पर रिलीज़ करते तो थोड़ा मसला हो सकता था बीफ वीफ वाला, तो जो कि कोई भी इस वक्त बीफ किसी नहीं पसंद, हर कोई चाहता है कि हिप हॉप में कोई ना कोई आपस में लड़ता रहे, लेकिन कुछ आर्टिस्ट होते हैं ना जो इस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, वो उस वक्त ना उस मुकाम पर पहुंच के वो नहीं चाहते कि मेरी किसी के साथ बीफ हो, क्योंकि वो सब कुछ हार्म कर चुके होते हैं, उनके पास व्यूज़ होते हैं, पैसा होता है, इज्जत होती है, फिर वो नहीं चाहते कि मैं मेरे हाथ से ही चला जाए, जैसे अभी एमी मैंने किया है, एमी भी अच्छा खासा अपना कर रहा था, लेकिन उसके पता नहीं 2-2.5 साल बाद कीड़ा जाग गया कि कृष्णा को डिस कर दिया, फिर बैठ के हार के बीफ को वीडियो के जरिए एंड करूँगा। लेकिन ये बात है कि ये गाना जो था ना उनके अपने चैनल से नहीं था सकता, वो उन्होंने रिलीज़ नहीं था करना वाया इसने अपने चैनल पे, इसलिए वो लीक हुआ है, अभी लीक हुआ है, कराया गया है, जो भी है बातें वो बात की हैं तो। लेकिन अगर फ्यूचर में बोहेमिया का और यंगस्टर का कोई कोलैब आता है तो हम लोगों को तो बहुत ही मज़ा आएगा, अपना दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और उसी के साथ वीडियो एंड करूँगा हमेशा की तरह, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं देने वाला, क्योंकि ये वीडियो की असल सोर्स किसी को पता ही नहीं है कि किसकी है किसकी नहीं, अगर तो यंगस्टर्स के चैनल पे होते तो फिर तो मैं वीडियो का लिंक ज़रूर देता और आप लोगों को कहता है कि जाकर चेक करो, लेकिन अभी भी अगर आपने गाना सुनना है तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लो डाकू बाय यंगस्टर एंड बोहेमिया, तो मिल जाएगा, लिंक विंक मैं नहीं दे रहा क्योंकि बनता ही नहीं है लिंक देना, तो बस इस वीडियो में एंड करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मैं मिलूँगा नेक्स्ट चैनल में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।